स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज सुबह 11 बजे विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष के कार्यक्रम का विषय बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारत में 2020 से लेकर 2025 के दौरान एथेनॉल समीक्षण में से संबंधित रोड मैप के बारे में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी करेंगे। इस मौके पर पीएम पुणे में 3 स्थानों पर E100 के वितरण स्टेशनों की एक पायलट परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए भारत सरकार E20 अधिसूचना जारी कर रही है, जिसमें तेल कंपनियों को 1 अप्रैल 2023 से 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने का निर्देश दिया गया है। इन प्रयासों से देश भर में मिश्रित ईंधन उपलब्ध कराने के लिए समय सीमा प्रदान की जाएगी। ये वर्ष 2025 से पहले इथेनॉल उत्पादक राज्य और आसपास के क्षेत्रों में एथेनॉल की खपत को बढ़ाने में भी मदद करेगा। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया है। ये जानकारी शनिवार को उपराष्ट्रपति कार्यालय की ओर से दी गई। बता दें कि इस ब्लू टिक से अकाउंट को वेरीफाइड माना जाता है। अब उपराष्ट्रपति का अकाउंट अनवेरीफाइड कर दिया गया है। इसके पीछे का कारण अभी पता नहीं है। पिछले माह ऐसी खबर आई थी कि ट्विटर यूजर्स के अकाउंट को कैटेगरी में बांटा जाएगा। इसके तहत अलग अलग प्रोफेशन से आने वाले लोगों को अलग ग्रुप के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। नेताओं को एक अलग लेवल दिया जाएगा, जबकि पत्रकारों या कंटेंट राइटर को अलग लेवल दिया जाएगा। इस खबर पर इस वक्त हमारे सहयोगी शहबाज खान जुड़ चुके हैं। शहबाज, मैं आपसे जानना चाहूंगी, उपराष्ट्रपति के ट्विटर से ब्लू टिक हटा दिया गया है, क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी सामने आ रही है? बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया की जो वेबसाइट है ट्विटर और इस भारत सरकार के इन सरकार के बीच जो है वो गाइडलाइंस को लेकर काफी दिनों से बवाल चल रहा है, जिसको लेकर ट्विटर की तरफ से भी एक तानाशाही वाला रवैया अपनाया जा रहा है। ट्विटर लगातार जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। वो किसी तरह की ढिलाई नहीं कर रही है। एक तरफ केंद्र सरकार जो है वो लगातार ट्विटर के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रही है, गाइडलाइंस के तहत, जिन गाइडलाइंस का केंद्र सरकार चाहती है कि पालन हो। ये आपको बता दूं कि ये सारा विवाद जो हुआ था वो कांग्रेस की टूलकिट से स्टार्ट हुआ था, जब कांग्रेस ने एक टूलकिट का दिखाया था कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उन्होंने ये शो किया था ट्विटर पे कि कांग्रेस ने एक टूलकिट बनाई है जो कोरोना की दूसरी लहर में केंद्र की सरकार को बदनाम करने के लिए बनाया गया था। तो उस वक्त जो ट्विटर पर हंगामा हुआ था, उसके बाद ट्विटर ने जो है वो कांग्रेस एक तरह से कह लिए कि कांग्रेस का पक्ष लेकर केंद्र सरकार के विपरीत बयान दिया था, जिसके बाद से ये बवाल जो है 27 मई के बाद से ये बवाल बढ़ता चला गया। और इसके बाद अब ये लड़ाई सरकार बनाम ट्विटर पर आ थमी है। और ट्विटर जो है वो लगातार, चाहे वो आरएसएस के भैया जी जोशी समेत 3 बड़े आज और कार्यकर्ताओं का जो अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया है, और आपके उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का भी आज ही ब्लू टिक हटा दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं जो सरकार की जो लड़ाई है गाइडलाइंस को लेकर ट्विटर से, वो अभी भी जारी है। और ट्विटर जो है वो लगातार केंद्र के खिलाफ एक्शन ले रहा है, एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से फिर किस तरह से आगे कुछ एक्शन हो सकता है, क्या कुछ बड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं, जिस तरह से लगातार ट्विटर की तरफ से इस तरह की मनमानी जो की जा रही है? बताना चाहूंगा कि गाइडलाइंस को लेकर सरकार पहले ट्विटर को आगाह कर चुकी है। सरकार चाहती है कि किसी भी अकाउंट को सस्पेंड करने से पहले या किसी भी पोस्ट को डिलीट करने से पहले वो केंद्र सरकार के एक अधिकारी से पूछताछ करेगी और अपना एक यहाँ पर एक ऑफिस जो होता है फिजिकल ऑफिस स्थापित करेगी। वहां पर एक अधिकारी होगा जो केंद्र के अधिकारी से समन्वय बनाएगा, दोनों में बातचीत होगी, तब जाकर पोस्ट डिलीट की जाएंगी। तो ये जो सारा विवाद है ये काफी पुराना है, और गाइडलाइन जो है वो चाहे ट्विटर की हो और चाहे फेसबुक की हो, ये विवाद जो है वो पुराना चलता चला आ रहा है। ये राजनीति एक तरीके से अगर कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया की जो ये राजनीति है उन तमाम मुद्दों में आकर फंस चुकी है, और ट्विटर भी किसी तरीके से पीछे हटना नहीं चाह रहा है। और जो ट्विटर की जो पूरी राजनीति है मैं बताना चाहूंगा कि काफी दिनों से चल रही है। 27 मई को जो टूलकिट वाला मामला हुआ था उस पर तभी से ये विवाद बढ़ता चला गया। अब कभी केंद्र एक्शन लेता है तो कभी ट्विटर की तरफ से एक्शन देखने को मिल जाता है।
ये तो सीधी बात होगी कि ट्विटर अब भारत का सब्र एक तरह से देखना चाह रहा है, जिस तरह से उसने देश के दूसरे अथॉरिटी के साथ ऐसा सलूक किया है, तो ये बेहद ही निराशाजनक है। और इस पर किस तरह से सरकार अब सामने आती है और क्या कुछ एक्शन होता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ट्विटर ये सीधे सीधे तौर पर एक तरह से फ्रंट लाइन पर आकर लड़ाई की तरह इसने छेड़ दिया है, कि जिस तरह से एम वेंकैया नायडू का जो ब्लू टिक है वो हटा दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार ट्विटर की तरफ से संघ के लोगों का वेरिफिकेशन हटाया जा रहा है, जिसको लेकर अब ये लड़ाई सामने आ गई है। वहीं एम वेंकैया नायडू का जिस तरह से ब्लू टिक हटा दिया गया, उसके बाद अब भारत का सब्र ट्विटर जिस तरह से परखने की कोशिश कर रहा है, इस पर केंद्र सरकार किस तरह से एक्शन लेती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।